एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर किसी के लिए खुली है, चाहे फिर वो स्टार किड्स हो, चाहे कोई आउटसाइडर हो या फिर किसी पॉलिटिशियन का बच्चा हो। इस इंडस्ट्री में हर किसी का स्वागत खुलेआम से किया जाता है, बस शर्त ये है कि आप अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीते, क्योंकि ऑडियंस ही एट द एंड मैटर करती है, जो कि आपको उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जो कि पॉलिटिशियंस के बच्चे थे और इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाने आए थे। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं पॉलिटिशियंस के बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं मिली। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एक्ट्रेस नेहा शर्मा का। एक्ट्रेस नेहा शर्मा एक मॉडल थी जो कि बाद में एक्ट्रेस बन गई और उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज में काम किया। नेहा ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया तमिल मूवी चिरुथा से 2007 में। इसके बाद उनकी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी रही इमरान हाशमी के ऑपोजिट क्रूक। आपको बता दें कि नेहा शर्मा पॉलिटिशियन अजीत शर्मा की बेटी है जो कि भागलपुर से कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है चिराग पासवान का। चिराग पासवान एक एक्टर है, पॉलिटिशियन है और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। बात करें चिराग की बॉलीवुड मूवी की तो वो 2011 में कंगना रनौत के ऑपोजिट मिले ना मिले हम मूवी में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। आपको बता दें चिराग पासवान लेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान के बेटे हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है आयुष शर्मा का। आयुष शर्मा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म लव यात्री से। आयुष शर्मा सलमान खान के ब्रदर इन लॉ हैं। आयुष शर्मा के फादर अनिल शर्मा हैं जो कि एक पॉलिटिशियन हैं और हिमाचल प्रदेश के मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। आयुष की फर्स्ट मूवी लव रात्रि तो इतनी नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद भी वो अभी कुछ बॉलीवुड मूवीज में नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है अरुणोदय सिंह का। आपको बता दें बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स में अरुणोदय को गिना जाता है। अरुणोदय ने कई अच्छी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है, लेकिन उनको फिर भी फेम नहीं मिला है, उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। आपको बता दें अरुणोदय फेमस पॉलिटिशियन अर्जुन सिंह के ग्रैंडसन है जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट इस लिस्ट में नाम आता है एक्ट्रेस आयशा शर्मा का। अपनी बहन की तरह बिल्कुल आयशा शर्मा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बना पाई। आयशा शर्मा नेहा शर्मा की सिस्टर है और पॉलिटिशियन अजीत शर्मा की बेटी हैं। आयशा ने बॉलीवुड में सिर्फ दो मूवीज की है। उनकी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी थी 2015 में आई शिवम और दूसरी सत्यमेव जयते, जिसमें वो जॉन अब्राहम के साथ 2018 में दिखी थी। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है लव सिन्हा का। लव सिन्हा फेमस एक्टर टर्न पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब के एमपी हैं। सभी जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे ने बिल्कुल उन्हीं की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, पर हम आपको बता दें कि वो एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। लव सिन्हा की मूवीज कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग क्विट कर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। आपको बता दें बांकेपुर की असेंबली से उन्होंने कांग्रेस के लिए टिकट ली थी। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है ऐशा देओल का। सभी जानते हैं कि ऐशा देओल फैमिली से बिलोंग करती है, वो एक स्टार किड है। सभी जानते हैं कि ऐशा देओल जो है वो हेमा मालिनी की बेटी है, जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस तो थी ही, साथ ही उनका पॉलिटिकल करियर भी काफी अच्छा रहा है। लेकिन ऐशा देओल अपनी मॉम की तरह बिल्कुल भी एक्टिंग में कमाल नहीं कर पाई। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी एक बुक आमा मिया ने काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरी थी, लेकिन उनका करियर काफी सक्सेसफुल नहीं रहा और कुछ मूवीज के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी।